छापरों में चोरों के हौसले बुलंद। आपको बता देंगे, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर मंडी परिषद अपनी फैमिली के साथ गाजियाबाद से अपनी गाड़ी से घर हापुर रोड रहे थे, तभी रास्ते में शुक्रवार की दोपहर को मेरठ रोड दीवान पब्लिक स्कूल के सामने फल लेने के लिए अपनी गाड़ी रोकी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने गाड़ी के बॉनेट पर कुछ नशीला पदार्थ डाल दिया, जिससे गाड़ी में बैठे रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर मंडी परिषद व उनकी पत्नी, उनका बेटा बैंक मैनेजर तीन को मिर्ची से लगी गाड़ी से नीचे उतरे। कार देखा तो अज्ञात व्यक्ति गाड़ी में रखा पर्स लेकर फरार हो गया, जिससे लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये व टैबलेट रियलमी कंपनी का व आधार कार्ड अन्य जरूरी कागजात लेकर फरार हो गया। क्या नाम है आपका? दीजिए, आपके साथ क्या घटना घटी आज? मैं, मेरे पति ब्रजेश कुमार और मेरा बेटा वहाँ से गाजीबाद आ रहे थे और दीवान पब्लिक स्कूल के सामने फल लेने के लिए रुके, तो सामने से कोई अज्ञात व्यक्ति ने उस पर कुछ ऐसा पदार्थ डाला, उससे हमें मतलब खांसी उठने लगी, नशा सा होने लगा, हम बाहर आ गए। जब थोड़ा हमें गुस्सा, हमने गाड़ी में देखा कोई हमारा पर्स लेकर भागा। अच्छा, कितने पैसे थे पर्स में? उसमें 20,000 रुपये थे और टैबलेट था का। और कुछ था उस डॉक्यूमेंट्स वगैरह? चार्ज था और आधार कार्ड मेरा था और मेरा सेवेंट का आधार कार्ड उसमें, और थोड़े जरूरी कागजात थे और जैसे लेडीज के लिए पिस्टिक वगैरह पेन वैन ये पड़े थे, मेरी दवाई थी उसमें। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो डिप्टी डायरेक्टर थे लखनऊ में, और पिछले साल 28 तारीख को उतार दिए।